दोस्त नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक मेरी कल्पना है, कल की अवतार के लिए। मतलब मैं, हर व्यक्ति ईश्वर के बारे में कल्पना कर सकता है, क्योंकि वो कल्पनाओं में भी हैं, कल्पनाओं से परे भी हैं, सच्चाई में भी हैं। वो हम लोग सब कल्पना ही तो करते हैं, ईश्वर ऐसे होंगे, वैसे हो सकते हैं, तो वो अनंत हैं, अनंत रूप हैं, अनंत चीज़ें हैं। तो मेरी कल्पनाएं, अब से जब मैं मथुरा गया था एक बार, काफ़ी साल पहले की बात है, तब से मैं कल की अवतार के बारे में खोजबीन कर रहा था, कहाँ है, कैसे है। तो मैंने मथुरा जाके और बहुत सारी बातें हुई, तो वहाँ जाके मैंने सोचा कि ये अवतार जो होंगे, जब भगवान ने गीता में कहा कि मैं ही आया था, मैं ही आऊँगा, तो मैंने सोचा ये इनके जो माँ बाप होंगे, ये देव की मैया और वासुदेव के पुत्र थे, मगर इनका पालन पोषण किया यशोदा मैया और नंद बाबा जी ने, और पालन पोषण भी इतना अच्छा किया कि हम लोग उनको, उन्हीं का मतलब वो तो, उनको तो यही पता था कि हमारे पुत्र हैं कृष्ण जी। तो भगवान, मतलब मेरी कल्पना, भगवान इतने प्रसन्न हुए, विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अगले निकल के अवतार जब बने, तो उन्होंने ये, मेरी कल्पना थी, ये सोचा होगा कि मैं इनका पुत्र नहीं हूँ, अगर ये मेरे माता पिता के रूप में यही, मतलब जब मैं नया जन्म लूँ कल के अवतार के रूप में, यही मेरे माता पिता बने और मेरे वास्तविक माता पिता बनने का इनको सौभाग्य मिले, ये मेरी कल्पना थी कि भगवान उनको, उनको देख के कि इन्होंने मेरे को कितना अच्छा पाला, जबकि मैं इनका पुत्र भी नहीं हूँ। वो मुझे बड़ा आनंद आया इस बात से कि जो विष्णु यश जो दिखाए कि वो नंद बाबा का रूप है, मेरी कल्पना, और यशोदा मैया सुमती माता, देखो मुझे तो बड़ा आनंद आया इसमें। और फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कि इसमें पता किसे चलना चाहिए कि भगवान कल की चमत्कारिक अवतार है वो, क्योंकि 16 कलाओं तक कृष्ण थे, 64 पे एकदम जंप जो है वो बहुत चमत्कार है उनकी लीलाओं में, ये निश्चित बात है, मान लीजिए, जान लीजिए आप, क्योंकि कलयुग बहुत बड़ा, बहुत अलग एक प्रकार का, 64 जब कला, 16 कलाएं थी कृष्ण की, तो 25% था तब अधर्म, 75% बढ़ के 100% हो गया। सब चमत्कार हैं हर चीज़ में, एक बटन दबाने से सब कुछ हो सकता है, इतने चमत्कार हैं, इतने चमत्कार हैं, वो बात आऊंगा अभी, कि इतने चमत्कार हैं कि वो इंसान रूप में जन्म लेके भी प्रकृति को रोक सकते हैं, चला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उस तरह के चमत्कार हैं। पता भी नहीं चलेगा गुप्त रूप में कहाँ बैठे हुए क्या क्या कंट्रोल कर दे, बारिश रुक जाओ, कोरोना रुक जाओ, ये रुक जाओ, वो चल दो, ये हो जाए, मतलब ऐसे करके इतने बड़े चमत्कार। तो मैंने कल्पना की थी कि भगवान ने सोचा कि इन दोनों में से मैं किसको मेरे बारे में पता लगना चाहिए। तो उन्होंने मेरे कल्पना के हिसाब से तो नंद बाबा का जो किरदार, मतलब जो नंद बाबा थे जो बने इसमें विष्णु यश, उनको पता लगवाया कि भाई देखो तुम्हारे घर में मैं चमत्कारिक बालक हूँ, मतलब मैं विष्णु का अवतार हूँ, ये पिताजी को, मतलब मैं अपनी कल्पना में बता रहा हूँ, माताजी घोसले नहीं कि माताजी को पता चलने पे तो फिर माताजी कहाँ होश में रहेंगे मेरा पुत्र, ऐसे करके मेरी, मैं जब ये एक कई साल पहले ये विचार आया था कि मैं कल की पुराण लिखूं अपने उसे कल्पनाओं से कि वो कहाँ जन्म ले सकते हैं, उनकी बहन कौन होगी। बहन के लिए मैंने सोचा वो जो कन्या जो एक आकाशवाणी करवा देती है, मारने की कोशिश करता है कंस की तो मुझे क्या मार रहा है, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुके, वो बहन बनती है कल के अवतार की, बड़ी बहन, ऐसे मेरी कल्पना ही थी कि वो बड़ी बहन बन के आती है और वो सब उन जितनी भी भ्रूण हत्याएं हुई हैं, जितनी भी कन्याएं इस तरह से हुई हैं, उन सबका सारी आक्रोश है उसके अंदर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और कल्पनाओं में जो मैं की थी। दोस्तों, आपको ये मेरा काल्पनिक रूप कल की भगवान के बारे में कैसा लगा, इस पर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा
अलग है। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर मैं आगे भी सुनाऊंगा मेरी कल्पनाएं क्या क्या थी इसमें, किस तरह से थी। जय हो।